अल्लाम वरहि वबरक अलहमदिल्ला वसलात वसलम अला रसोल्ला अम्मा नाजिन आप सभी का दिल से इस्तबाल है खैर मकदम है माशा आज फिर अल्लाह के तोफ़ी से आपके रूबरू हाज़िर हैं प्रोग्राम महफिल रमज़ान के साथ इनशा आज भी आपके जो भी सवालत होंगे उनको हल करने की पूरी कोशिश होगी आइए अपने मेहमानों का इस्कबाल करते हैं और फिर इनशाला सिलसिले को हम लोग अल्लाह की तोफ़ी से आगे बढ़ाते हैं जी असल वरह वरकाम नाजिन माशा आज भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान हमारे रूबरू हमारे मशाइ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में शेख किफात सनाबली साहब और इसी तरीके से शेख अब्दुलशक्कूर मदनी साहब माशा मौजूद हैं हम हह दिल से अपने मशाइ का इस्कबाल करते हैं और अल्लाह से इनके लिए दुआ भी करते हैं नाजिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ग्यारह से बारह बजे चलता है और इस प्रोग्राम में जो हमारे नाजरन की तरफ से सवाल होते हैं उनको हल करने की लाइव कोशिश की जाती है तो इन शाला आज के इस प्रोग्राम में भी आपके जो भी सवाल हैं जो नंबर शो हो रहा है आप डायल कीजिए डायरेक्ट पूछें इनशाला जो सही रहनुमाई हो सकती है वो आप सबको देने की पूरी कोशिश की जाएगी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब ये प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हर दिन प्रोग्राम शुरू करते हुए अपने मशाइ से कुछ खास पैगाम लेते हैं पैगाम के बाद सवालत का सिलसिला शुरू होता है तो आइए देखते हैं कि आज हमारे मसाइक हमारे नाजर के लिए हम सबों के लिए क्या ख़ास पैगाम लेकर आए हैं जी जी शेख अलहद ला वसलात वसलम अला रसूल वही वसबी अजमाईम आज जो ख़ास पैगाम नाजरन के लिए है वो पूरी ज़िंदगी से मुतल है अगरचे व रमज़ान के मसाइल से भी मुतल है वो ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसम की बहुत मशहूर हदीस है सुन ने बाजा की कि आपने फ़माया तलाबलमी फ़रीज रतन अलसिन कि बुनियादी का दीन की बुनियादी बातों का जानना शरीयत की बुनियादी बातों का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है चाहे मर्द हो या औरत तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि हम में से जो लोग भी हैं हम में से हर इंसान को दीन की बुनियादी बातें जानना चाहिए उसका इम हासिल करना चाहिए चाहे वो अकीदे की बातें बुनियादी बातें हों ताला के बारे में अकीदा हो अरकान सित्ता का मसला हो कि अल्लाह ताला पर ईमान रखना हो उसके फरिश्तों पर उसकी किताबों पर उसके रसूलों पर यौम आखरत पर तकदीर पर ये तमाम बातें हों चाहे वो अरकान खमसा हों इस्लाम के कि रोज़ा मिसाल के तौर पर जो है शहादत कि काम इंसान को हो कि शहादत का मतलब क्या होता है जब इंसान गवाही देता है कि अरदुल्ल अः महमदर रसूल्ला उसका माना उसका मफहम क्या होता है हर मुसलमान मर्द औरत को जानना चाहिए फिर नमाज़ के मसाइल क्योंकि उसे नमाज़ पढ़ना है इसी तरह रोज़े के मसाइल क्योंकि उसे रोज़ा रखना है ज़क़़त के मसाइल उन लोगों के लिए कम से कम जिन पर ज़क़ात फ़र्ज़ हो रही है जिनको अंदाज़ा है कि ज़क़त उन पर फ़र्ज़ होगी इसी तरह हज के मसाइल उन लोगों के लिए जिनको हज के लिए उम्रा के लिए जाना है तो ये बुनियादी बात है ये इसमें जो है ठीक है अपने क़राम की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो समाज के माशरे के लोगों को दीन का इल दें शरीत काम दें लेकिन हर मुसलमान मर्द औरत की भी अपनी ज़िम्मेदारी है उसके लिए आयन है आयन का मतलब है कि हर मुसलमान को इन बुनियादी बातों का सीखना ज़रूरी है अगर वह नहीं सीखेगा तो वो गुनहगार हो रहा है अगर इंसान नमाज के बुनियादी मसाइल नहीं सीखता है अगर अकीदे के बुनियादी मसाइल नहीं सीखता है अगर रोज़े रमज़ान के रोज़े के बुनियादी मसायल नहीं सीखता है इसी तरह और इबादतें जो उस पर फ़र्ज़ होती हैं अगर उसके बुनियादी मसाइल नहीं सीखता है तो ये ऐसा आदमी गुनहगार होगा एक पॉइंट तो ये दूसरा पॉइंट ये है कि हम अपने से कोई फतवा ना दें अगर किसी भी इंसान को जानकारी नहीं है दीन के किसी मसले में तो मैं इख्तिस से बात करूँगा कि उसमें किसी एतबार से फतवा न दें, बल्कि जो साब इल्म है उनसे पूछा जाए सुना नबी दाऊद की बहुत मशहूर हदीस है कि एक सहाबी उनको ज़ख़म हो गया उनके सर पर ज़ख़म आ गया और वो अहतलाम का शिकार हो गए अब उन लोगों ने उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए यानी गसल करने के लिए जानाबत से पाकि हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, चाहिए। तो लोगों ने उनको फतवा दिया कि आपको नहाना ज़रूरी है उन्होंने नहा लिया और नहाने की वजह से वो पानी शायद उनके सर में चला गया कुछ भी बात हुई और उसकी वजह से सहाबी का इंतकाल हो गया जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आपने कहा कि अल्लाह उनको कत्ल करे उन्होंने उस आदमी को कत्ल कर दिया उसकी जान जो है उन्होंने गंवा दी जान ले ली उसके बाद आपने फ़रमाया एक उसूली बात इन नमा शिफाई सवाल कि अगर किसी इंसान को जानकारी नहीं है तो इंसान सवाल कर ले सही। जो एक्सपर्ट है दीन का जो एक्सपर्ट है जो आलिम है जो मुफ्ती है कोई भी शख्स इंसान हम में से हर इंसान की जिम्मेदारी जो नाजरीन सुन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कहीं भी शक हो दीन के मसले में तो अपने से फैसला नहीं करेंगे या किसी ऐसे इंसान से नहीं पूछेंगे जो आलिम ना हो जो मुफ्ती ना हो उससे सवाल नहीं किया जाएगा आपको दीन का कोई सवाल करना है तो आप किसी आलिम से पूछेंगे जैसे अल्लाह व तआला ने इरशाद फरमाया फ़स आलू अहल जिक्री इनकन तुम ला तम कि अगर तुम्हें दीन के मसाइल का इल्म नहीं है तो अहल इल्म से दरियाफ़्त कर लो अहल इल्म से पूछ लो तो ये जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की है जो गैर आलिम उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक तो यह कि दीन की बुनियादी मसाइल की जानकारी की कोशिश करें दूसरा कि कहीं भी अगर उन्हें कोई शुभ होता है किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो किसी गैर आलिम से नहीं पूछेंगे बल्कि उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो किसी एक्सपर्ट से, किस आलिम से किसी से किसी मुफ्ती से पूछेंगे जी शेख सवाल लेते हैं जी जी असलकूम हैलोलैकुम जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू खैरियत है हजरत जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं जी अल्लाह का करम कहाँ से बात कर रहे हैं आप जी मैं जुबैर अहमद नरकटियागंज से बिहार से बात कर रहा हूँ अच्छा माशाल्लाह जुबैर भाई जी जुबैर भाई क्या सवाल है आपका जी हजरत सवाल यही है मेरी कि हजरत अगर खवातीन सब क्या नौकरी यानी जो टीचर्स होता है क्या नौकरी कर सकती है टीचर के लिए माफी तो चाहिए चाहिए नहीं आपका नहीं, नहीं हो सका आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है आप रिपीट कर दें जी कि अगर मतलब कि लेडीज अगर स्कूल में नौकरी करना चाहे सरकारी स्कूल में तो क्या जायज है ओके ओके यानी आप ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई खातून नौकरी करना चाहे टीचर के तौर पर किसी स्कूल में तो क्या जायज़ है या जायज़ नहीं है जी बिल्कुल जुबेर भाई हमारे मशाइफ मौजूद है देखते हैं क्या जवाब देते हैं लेकिन जवाब से पहले नाजिन देखिए आप सब के लिए एक अहम ऐलान ये है कि देखिए आप लोग अगर सवाल चैट के जरिए भी करना चाहें तो इन शाह कर सकते हैं वो भी यहाँ पर पेश करने की पूरी कोशिश की जाएगी और ख़ास तौर से खुतिन हमारी माएँ बहनें कोशिश करें चैट के जरिए सवाल करने के लिए उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी जी जी ठीक अलहमद ला वला वसलाम अला रसूल जुबैर भाई ने सवाल ये किया है कि कोई खातून किसी सरकारी स्कूल में नौकरी कर सकती है कि नहीं कर नहीं। सकती है देखिए उसमें बहुत सारी तफसीलात हैं मैं चंद उसूली बातें आपके सामने रखता हूँ एक उसूली बात तो, तो यह है पहली उसूली बात कि अल्लाह तबारक ने ख़वातीन के बारे में औरतों के बारे में उसूल ये रखा है कि वक़रना कर न फी बतकुन्ना वाला तबर रजना तबर जाहली के औरत जो है अपने घर को करार पकड़े यानी घर में रहे असल जो है उसकी मंजिल असल उसका जो है ठिकाना औरत का किसी भी औरत का ठिकाना उसका घर है तो पहली बात वसूली यह है कि बिला ज़रूरत जो है औरत घर से नहीं निकलेगी अगर उसे कोई ज़रूरत है अगर शरीय अलाह देखें तो ज़रूरत और हाजत अगर ज़रूरत है यानी मजबूर है तो निकलेगी या उसे कोई हाजत है तो निकल सकती है लेकिन बिला ज़रूरत बिला हाजत वो नहीं निकलेगी असल उसकी जगह जो है उसका असल उसका ठिकाना उसका घर है तो बिला ज़रूरत जो है या बिला हाजत औरत को घर से नहीं निकलना है एक बात तो उसूली बात ये। दूसरी उसूली बात यह है कि अल्लाह तबारक तौरश फरमाया किरजा कवामसाई बीमा फभ वलल्लाबादा बीमा अनफ़ूम अमवालम कि अल्लाह तबारक त मर्दों को औरतों का निगरान बनाया है उनका सरपरस्त बनाया है किस वजह से क्योंकि अल्लाह तबारक त मर्दों को औरतों पर फजीलत बख्शी है और दूसरी वजह यह है क्योंकि वो औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि ख़र्चे की जितनी ज़िम्मेदारी है घर का जितने नफ़े घर में जो भी नफ़ा है बीवी का खर्चा हो बच्चों का खर्चा हो जो भी ख़र्चा होता है उसका ज़िम्मेदार मर्द है तो असल मर्द को बाहर निकलना है घर से और उसे उसे नौकरी करनी है उसे तिजारत करनी तमाम चीज़ें ये उसकी ज़िम्मेदारी है औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि अगर किसी मजबूरी के तहत औरत को निकलना ही है किसी नौकरी के लिए तो उसमें शरी हदूद को शरी लिमिट्स को देखा जाएगा जैसे मिसाल के तौर पर शरी हदूद क्या है कि अगर किसी औरत को कहीं पढ़ाना है तो पहली बात तो यह कि उसे पर्दे में रहना होगा वो जो है गैर महरम जो है बालग लड़कों को नहीं पढ़ाएगी एक बात तो ये है दूसरी बात यह है कि जहाँ भी वो काम करने जा रही है वो इख्तलात का शिकार ना हो ऐसा नहीं है कि ऑफ़िस में या पढ़ाने के दरमियान जो है वो मर्द औरत जो है मिंगल हो एक साथ में हो ये जो है कैफियत ना हो तो एक पहली बात तो कि मिंगल ना हो इख्तलात ना हो दूसरा ये कि कोई भी ऐसी सूरत ना हो जिसमें खलवत हो ऐसा मसला ना हो ऑफिस में या कहीं किसी भी जगह ऐसा ना हो कि किसी मर्द के साथ वो औरत तनहा हो तो अगर खलबत नहीं है और इख्तलात नहीं है मर्दों के साथ जो है खुले आम मिलना जुलना नहीं है इसी तरह कोशिश तीसरे जो पहले पॉइंट मैंने कहा था कोशिश ये की जाए कि औरत जो है लड़कियों को पढ़ाए या छोटे बच्चों को पढ़ाए तो अगर ये चीज़ें आप पूरा करती हैं चार चीज़ें मल के इजाफा और करूँगा कि सफ़र जो है आपका अगर लंबा दूर का सफ़र है जो आमतौर पर नहीं होगा लेकिन अगर दूर का सफ़र है तो उसके लिए महर महरम शर्त होगा तो आप दूर का सफ़र जो है वो नहीं कर सकती बग़ैर महरम के एक बात ये फिर उसी में दूसरी बात ये है कि सफ़र जो है वो महफूज होना चाहिए इसके लिए हमें पूरी कोशिश करना है कि जो सफ़र हो ऐसा नहीं है कि औरत धक्का खा कर मर्दों के साथ बस में सवार होकर या जो है ऑटो में शेयरिंग करके जा रही है ये ना ये ये ठीक नहीं है तो पहली बात तो ये कि सफ़र के दौरान इसका एहतियात हो कि वो जो है महफूज़ अंदाज़ में सफ़र कर रही हो दूसरा ये कि इख्तलात ना हो तीसरी बात यह कि खलवत ना हो और चौथी बात ये कि जिनको पढ़ा रही है वो जो है कोशिश यही की जाए कि वो या तो लड़कियां हैं उनको पढ़ा रही है छोटे बच्चे हैं बाल जो हैं बच्चों बालग लोगों को वो औरत ना पढ़ाए अगर ये चार बातें उसके इसको जो है इन शर्तों को पूरा किया जाता है और निकलने की मजबूरी है या हाजत है यानी ख़र्चा घर का उसके बग़ैर शौर की शोर की कमाई से पूरा नहीं होता है तो इन शर्तों के साथ औरत जा सकती है लेकिन अगर मजबूरी की सूरत में हाँ वरना वरना जो असल यही है कि शौक़ पूरा करने के लिए देखिए मैं वाजहे करता हूँ कि शौक़ पूरा करने के लिए नहीं पढ़ाएगी या ऐसे इजाफी जो एक्स्ट्रा कमाई के लिए नहीं पढ़ाएगी नहीं। खर्चा नहीं पूरा हो रहा है मर्द की कमाई से गुंजाइश निकाली जा सकती है बल्कि लेकिन अगर वो शौक पूरा करने के लिए पढ़ाती है तो हम कहेंगे घर में बैठो इसी तरह अगर वो इजाफी खर्चा पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा लग्जरीज के लिए निकलती है तो हम कहेंगे इससे अच्छा बेहतर है कि इंसान घर में बैठे और वो शरीय के असूलों की पाबंदी करे वल जी जुबैर भाई उम्मीद की आपको जवाब मिल गया होगा हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह हमारे बहुत सारे अहबाब लाइन में हैं और सवाल करना चाहते हैं और कुछ लोग कॉल्स पे भी हैं और कुछ लोग चैट पे भी माशाल्लाह सवाल कर रहे हैं हमारे एक अफनान शाह ने अफनान भाई हैं जो सवाल कर रहे हैं शेख कि कोई इमाम है वो तावीज़ गंडा करते हैं तो क्या उनके पीछे नमाज पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते देखिए अब ये तो तफसील नहीं है कि तावीज़ गंडे में वो क्या करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे किसी को दुआ करते हैं लोग है नहीं। नहीं, लो है लो उनकी तरफ ऐसे मशहूर कर देते हैं कभी कभी क्या होता है किसी इमाम से कोई दुश्मनी होती है तब भी जो है मंसूब कर देते हैं तो देखिए सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि वाकई वो ऐसा कुछ करते नहीं क्योंकि हमारे यहाँ देखिए इमाम कितना मजलूम है सब जानते हैं कुछ किसी को भी दुश्मनी निकालनी होगी तो कोई ना कोई इल्जाम उस पर लगा देगा तो सबसे पहले तफ्तीश होनी चाहिए कि वो क्या करते हैं तावीस घंटे के नाम पे क्या करते हैं पूरी सराहत होनी चाहिए कि क्या करते हैं और दूसरी बात ये है कि वाकईतन अगर कुछ वो गलत करते हैं मतलब तो फिर वो किस दर्जे दर्जेगा क्या वो शिर का है या बिदत का है तो उसी हिसाब से हुक्म लगेगा कि वो शिरकिया अमाल करते हैं या उस तरह के अमाल करते हैं तो अगर हम मान लें कोई फिश व फजूर का अमल करते हैं बिदई अमल करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ऐसे शख्स को इमाम नहीं बनाना चाहिए ऐसे शख्स को इमाम नहीं बनाना चाहिए लेकिन अगर कहीं पे इमाम बना दिया गया है और कोई रास्ता नहीं है तो बहरहाल बदती के पीछे राजे बात यही है कि नमाज़ पढ़ी जा सकती है उसको इमाम नहीं बनाना चाहिए लेकिन अगर बना दिया गया कोई फासिक है फाजिर है बिदती है उसको इमाम मतलब उसकी तकफीर नहीं होनी वो काफ़िर नहीं है वो है मुसलमान उसकी अपनी नमाज़ सही हो जाएगी तो अगर उसकी अपनी नमाज़ सही हो जाएगी इस दर्जे का मुसलमान है तो उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है अगर कोई और बदल ना हो तो तो बेहतर ये कि ऐसे आदमी को इमाम ही ना बनाया जाए लेकिन बसूरत मजबूरी बना दिया गया तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि कहीं और कोई उसका मुतबाद जगह मिले कहीं और जाए आदमी बस जाए लोकेशन चेंज कर दे ताकि वो सही इमाम के पीछे नमाज पढ़ सके जी बहुत बहुत शुक्रिया जी अगला सवाल असला आप जी आपका नाम मेरा नाम कमर अली है अच्छा माशाल्लाह कमर अली भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप ये जिला नैन ताल अच्छा माशाल्लाह क्या सवाल है आपका सवाल ये है कि दोनों मस्जिद में होती थी के बाद तो वो अचानक बंद हो गई तो उसका जवाब नहीं मिला हमें किसी से तो वो जरूरी है या नहीं कमर अली भाई माजरत चाहते हैं पहले आप अपनी टीवी की आवाज जो है म्यूट कर लें, फिर सवाल करें क्योंकि आपके साथ टीवी की भी आवाज आ रही है जी जी जिसे गया 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 गया। गया। जी आप सवाल कीजिए आप जी देखिए ना के बाद होती है तो वो बंद हो गई दोनों मस्जिदों में तो वो जरूरी है या नहीं है नहीं, शुरू के लफ्ज क्लियर यानी आप ये नहीं कह रहे कि अजान के बाद जो है जरूर सलाम पढ़ा जाता था ये कहना चाहता है सलात 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 होती है सलात मतलब क्या सलात दुरूद सलात कोई दुरूद तो ना ये जो اذان के बाद जो है सलात होती थी, थी ना अजान के बाद यानी अजान जब कंप्लीट हो जाती है तो अजान के बाद जो सलातो सलाम लोग पढ़ते हैं वो आवाज यानी बंद हो गई नहीं नहीं वो सलातो सलाम नहीं हम्म यानी इसका अजान का जवाब जो अजान के बाद थोड़ी देर बाद सलाद होती जो जमात के लिए मतलब ये तैयार होते हैं इकामत। नहीं माफी चाहते हैं तो कि भाई, कुछ और होता देखिए सवाल देखिए आप एक के बारे में सवाल करें या अजान के बारे में यानी देखिए एक आजान, तो अजान दी जाती है लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए और एक जमात खड़ी करने के लिए एकामत कही जाती है हाँ हाँ जी जी तो एकामत जो कही जाती है नमाज खड़ी करने के लिए जी जी तो इससे इस इससे इस मुता, इस मुतालिक आप सवाल कर रहे हैं जी 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 हाँ तो इसमें क्या जानना चाहते हैं आप मतलब ये, के, ये मतलब वो बंद हो गई है तो वो सही है है गलत ओके यानी ये आवाज़ कंप्लीट नहीं आई और आप पीछे नमाज पढ़ रहे हैं यानी आप ये एक नहीं सुन सके नहीं नहीं मस्जिदों से मस्जिदों से शायद पहले माइक में एक होती थी आप ये कहना चाहते हैं कि कामत माइक से होती थी और अब नहीं हो रही है अजान के बाद ये सलात बोलते हैं अच्छा थोड़ा बोल के बताएंगे क्या हाँ, बोलते हैं थोड़ा थो, थो, बोल, बोल, थो, बोल, बोल के बताएंगे क्या चीज है किसको आप सलात कह रहे हैं अजान के सलात कहते हैं है या रिसीवर लगे हां नहीं तो सलामी तो अजान के बाद तो वही तो हम लोग पहले वही बात तो वो एकामत की बात नहीं नहीं ठीक है अभी तो नाम दे लेकिन पढ़ के बता दिया लगता था कि मतलब ये आजान मतलब जमात के लिए खड़े खड़े होने वाले है और घर से जैसे मतलब ये हाँ जल्दी निकलते थे घर से कि अब खड़े होने वाले हैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तो वो आवाज हो गई जी 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 शेख रहनुमाई देखिए हम जो सम... बंद कर दिया नहीं, नहीं बिल्कुल देखिए शेख रहनुमाई फरमा रहे हैं जी देखिए हम जो समझ सके हैं सवाल वो ये कि अजान और इकामत के बीच में अलैका या रसूल ऐसे कुछ अल्फाज कहते होंगे कोई लगता है जमात खड़ी होने वाली है किसी मस्जिद में ऐसा रिवाज था शायद वो खत्म कर दिया गया है तो भाई साहब कहते हैं कि उसका ख़त्म किया जाना ठीक है कि नहीं तो यकी जिन्होंने भी ख़त्म किया है सही किया है सही क्योंकि कुरन हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है कि अज़ान और अकामत के बीच में ये सलात कहा जाए तो जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी नहीं पाई जाती थी तो उसका इजाफ़ा नहीं किया जा सकता सही मुस्लिम के हदीस है मनामिल आम समर पवरदन कि जिसने भी कोई ऐसा अमल किया जो हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं वो रिजेक्टेड है वो रद्द है तो अगर किसी ने बंद कर दिया तो अच्छा किया क्योंकि ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है इसलिए आपको अगर जल्दी आना है तो अज़ान होती है वो काफ़ी अज़ान उसके लिए ये नहीं सला, नहीं सला, नहीं है ये सलात सला तो सलाम नहीं है अज़ान उसके लिए है बताने के लिए कि नमाज़ का टाइम हुआ है आप आए तो अजान को फॉलो करते हुए आने की कोशिश करनी चाहिए जी जी तो भाई उम्मीद की आपको जवाब मिल गया होगा जी 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 खैर हमसे जुड़ने के लिए दी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वालेकुम वरहमतल नाजरीन महफिल रमजान का ये प्रोग्राम इनशा इसी तरह पूरे रमज़ान चलता रहेगा आपके जो भी सवालत हैं आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं इनशाला मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश की जाएगी और आप सबसे खास गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें ताकि ये और आम हो सके और एक खास गुजारिश ये है कि अगर आप चैट के ज़रिए भी सवाल करना चाहें ख़ास तौर से हमारी माँ बहनें तो वो कर सकती हैं इंशाल्लाह उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी आइए देखते हैं कुछ अहबाब ने यहाँ भी सवाल किए हैं चैट के ज़रिए एक अब्दुल कादिर भाई ने सवाल किया है कि कितने गले में कितना ज़क़ात है किलोग्राम के हिसाब से बताएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी देखिए गले में जो जक़ात है वो पाँच फसक़ अल्लाह के रूम की हदीसों से कि पाँच वसक़ अगर गला हो तो उसमें सेकवात है जी एक वसअ जो है वो साठ सा होता है और साठ सा जो है वो तीन साठ सा के हिसाब से पाँच वसक जो है वो तीन सौ सा हो गए एक वसक़ हमने कहा कि हदीस में जो लफ्ज़ है वो पाँच वसक़ का है और एक वसक़ जो है वो साठ सा होता है तो गोया कि पाँच वसक़ जो है वो तीन सौ सा हो गए अब सा जो है तकरीबन उसमें बहुत ज़्यादा अख्लाफ है क्योंकि वो एक नापने का एक पैमाइश थी एक बर्तन था जिससे अनाज को नापा जाता था उसको वजन नहीं किया जाता था right. इसलिए उसमें इख्लाफ बहुत ज़्यादा जो लेकिन जो बीज का कॉल है तकरीबन ढाई किलो का right. तो एक सा जो है वो ढाई किलो का माना जाए तो तकरीबन वो साढ़े सात सौ किलो अगर अनाज किसी के पास हो right. यानी कटाई के वक्त जो है वो साढ़े सात सौ किलो अनाज हो तो उस पर जो है ज़क़ात वाजिब होगी यानी दसवा हिस्सा हाँ या जो है मतलब पाँचवा हिस्सा जी 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 शेर कुछ इजाफा जी जजाकल्ला खैर बहुत बहुत शुक्रिया जी कुछ कॉल्स भी हैं वहाँ से भी कुछ सवाल लेते हैं अस्सलाम शी अलैक्म वाले वरहतल जी आपका नाम आसिफ राजा आसिफ यस जी आसिफ भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप बिहार से बिहार से माशाल्लाह कैसे हैं आसिफ भाई खैरियत से हैं आप जी जी देखिए सवाल मेरा सवाल है कि वितर की पढ़ने की सही तरीका क्या है हदीस की रोशनी में यानी वितर की नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है और दूसरा सवाल ये मेरा कि जैसे हम वितर की नमाज पढ़ते हैं तो तीसरे तक अपने रुकू के बाद दुआ मांगते हैं और जब तरावी तरावी पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में हुँ। तो ये इमाम जनाब को वितर पढ़ा रहे थे वो तो अलग तरीके से पढ़ रहा है तो कौन सा तरीका दुरुस्त करना और कैसे पढ़ना चाहिए नहीं नहीं दूसरा सवाल आपका वाजे नहीं हो सका यानी जी दूसरा सवाल आपका वाजे नहीं हो हु सका हेलो हाँ बोलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरा सवाल जो आप कर रहे थे ठीक है आप पहले, पहले पहला सवाल देखिए क्या जवाब देते हैं फिर इंशाल्लाह ये तरावी का सही तरीका पूछो वित्र का okay. सही तरीका कि वित्र नाइन का सवाल ये है कि वित्र पढ़ने का तरीका क्या है देखिए रमज़ान में वित्र पढ़ना है तो उसका जो मरूफ तरीका तीन नक़त पढ़ना चाहिए आठ रकात के बाद तीन रकात वित्र है। और तीन नक़त वित्र पढ़ने का दो तरीका इससे पहले भी बताया जा चुका है एक तरीका ये है कि दो सलाम से पढ़ना है यानी दो रकात पढ़ के सलाम फेर देना उसके बाद फिर खड़े होकर एक रकात पढ़नी और दूसरा तरीका ये है कि तीन सलाम से पढ़ना है या तीन सलाम माफ़ कीजिएगा दूसरा तरीका है कि एक सलाम से एक साथ तीनों रकतें पढ़नी यानी बीच में नहीं बैठना है तो ये दो तरीका है पहला तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है दूसरा तरीका साब कर से साबित है तो इन दोनों में से किसी पे भी अमल किया जा सकता है और वितर में क्या है बेहतर यह कि आप इमाम के साथ आए इमाम के साथ रहेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इमाम को फॉलो करना है तो इमाम आम तौर से इन दोनों में से किसी एक तरीके पर पढ़ाते हैं तो किसी भी तरीके पर पढ़ाएँ ये दुरुस्त होगा सिर्फ़ एक तरीका है जिस पर कह सकते हैं कि वो गलत है कि कुछ लोग तीन तीन रकत फिक्र पढ़ते हैं तो बीच में बैठ जाते हैं कहदा के लिए लेकिन सलाम नहीं फेरते हैं मगरब की तरह पढ़ते हैं तो वो वो तरीका गलत है उसको नहीं फॉलो करना चाहिए बाकी ये है कि अगर दो बार सलाम फिर नमाज पढ़ते हैं या एक सलाम से पढ़ते हैं और बीच में नहीं बैठते हैं तो ये दोनों तरीका है। जी कर कर। जी खैर जी आसिफ भाई उम्मीद की बैठ जा रहे हैं तो में है फिर हमें ये कहना है कि वो दो के बाद वो बैठ जाते हैं तो क्या ऐसे इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए तो कि नहीं क्योंकि ये सही तरीका फॉलो करना चाहते हैं वो इमाम साहब वो एक ही सलाम से तीनों पढ़ रहे हैं तो इनके हिसाब से वो सुन्नत के ख़िलाफ़ कर देखिए ये फ़र्ज़ हाँ समझ गया समझ गया देखिए ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है नहीं। हाँ नफील नमाज है और अब ऐसा नहीं है कि भाई लाजमी एक मतलब जमात के साथ फ़र्ज़ पढ़ना ही है नफिल है इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं तो अगर ये इस तरीके पे कोई इमाम नमाज पढ़ रहे हैं तो हम बेहतर ये समझते हैं ये हमारी राय बेहतर ये है कि आप उनके साथ नमाज ना पढ़ें वितर क्योंकि यह हदीस की सरी मुखालफत है इस तरह वितर पढ़ना यह हदीस की सरी मुखालफत है इसलिए हम ये कहेंगे कि आप अलग से वितर पढ़ लें इसकी गुंजाइश ने पूरे सराहतन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मगरिब की तरह से नमाज नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी रवायात की रोशनी में इल्म ने लिखा है कि मगरिब की मशावत तभी होगी जब बीच में आदमी बैठे और सलाम ना देखिए उमर फ़ारूक रजी अल्लाह हो तो पूरी जमात मस्जिद में पूरी जमात हो रही है उसको छोड़ के जाके घर पर पढ़ते थे क्योंकि उनको एक अफजल वक्त समझते थे कि ये अफज़ल वक्त है इसमें पढ़ना चाहिए तो देखिए अफजल चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी चीज़ छोड़ रहे हैं सरी. पूरी जमात छोड़ रहे हैं तो ये तो अल्लाह के नबी नबीसम का हुक्म है उसको हासिल करने के लिए आप क्यों नहीं छोड़ सकते जमात बिल्कुल छोड़ सकते जी आसिफ भाई उम्मीद की आपको जवाब मिल गया होगा जी जी जजाक खैर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोई और सवाल हो कर सकते हैं आप हाँ, तो सवाल हुआ था मतलब है कि अनाज के ताल्लुक से उसमें कितना निकाला जाएगा यानी दस फीसद निकाला जाएगा जिसको कहते हैं या कि पाँच फीसद निकाला जाएगा जिसको हम निष्फुलशर कहते हैं क्योंकि दस फीसद को जो है मतलब है कि फीसद के हिसाब से मैं बात कर रहा करूँ ताकि वाजह रहे कि दस फीसद यानी ओशर या जो है वो पाँच फ़ीसद निकाला जाएगा इतना आपको उस अनाज में से साढ़े साढ़े सात सौ किलो में से उतना आपको निकालना है दस फ़ीसद या पाँच फ़ीसद अगर अगर जो है आसानी से पानी जो है बारिश के पानी से या कोई तालाब करीब में है नदी करीब में है या ज़मीन की नमी से अगर वो अनाज हो जाता है आसानी के साथ तो आपको दस फ़ीसद निकालना है और अगर आप जो है पम्पे सेट से या किसी ज़रिए से पानी उसमें ख़र्चा और मेहनत है उसके ज़रिए आप जो है खेत की सिंचाई करते हैं तो ऐसी सूरत में आपको उसमें से साढ़े सात सौ किलो या उससे ज़्यादा जो भी होगा उसमें से आपको पाँच फ़ीसद निकालना है जी जी बिल्कुल नाजिन महफिल रमज़ान के प्रोग्राम इन शाह इसी तरह पूरे रमज़ान चलता रहेगा ये प्रोग्राम आप सब के लिए है आप इससे पूरा फ़ायदा उठाइए आपके जो भी सवाल हैं इन शाला आप डायरेक्ट पूछें मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश की जाएगी और आप सब अगर इसे यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करें लाइक करें और कमेंट भी करें बल्कि ख़वान से गुजारिश है माओ और बहनों से गुजारिश है कि वह कमेंट के जरिए अपने सवाल पूछ सकती हैं इन शाला मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश की जाएगी जी बिल्कुल अगला सवाल आ, इसकुलाम इसकुलाम। से। जी अलहमदुल्ला आप कैसे है आ, जी मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ राजस्थान ऐसी जही नाम है आपका सवाल मेरे दो है दो सवाल है मेरे लेकिन मुझे मालूम नहीं कि रमजान से हटकर भी कुछ सवाल कर सकते हैं या नहीं बिल्कुल देखिए कोशिश करें रमजान से मुतालिक रमजान से हटकर भी अगर कोई है तो देखते हैं जी बिल्कुल जी एक सवाल मेरा ये है कि वितर की नमाज के अंदर जो दुआ है जैसे तबारक तो खत्म हो जाते हैं लेकिन है। नबी ले तो मुझे ये जानना था की कि किसी हदीस से साबित है ये अल्फाज इसको पढ़ सकते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल देखते शेख जी शेख जही भाई का सवाल है तो ये कह रहे हैं कि दुआए कनू जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में वह नस्त तकफ़रक वन नतूब अल वाला नबी ये दो कलिमात जो हैं तो क्या ये हदीस से साबित हैं या नहीं पढ़ें या ना पढ़ देखिए इस वक्त मुझे नहीं जहन में याद आ रहा है कि नस्त तकफ़रक व नतूब अलै की कि किसी सही रवाय से साबित है कि नहीं शेख हल्बानी रमला ने सिफत सलात में बहस की है क्या साबित है क्या नहीं है तो वहाँ से अगर भाई साहब देखना चाहें शेख हल्बानी की किताब वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि शेख ललबानी रमला ने क्या हुक्म लगाया लेकिन मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है अगर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल आपको इस सवाल का जवाब दे दें जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल ज़हिर भाई इंशाल्लाह कल आप رابطہ करें मुफस्सल जवाब इंशाल्लाह मिलेगा तफसीली जवाब इंशाल्लाह ताला जी जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जी, जी अगला सवाल अस्सलाम वालेकुम और जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी मैं माजिद सलाम दिल्ली से बात कर रहा हूं अब्दुल माजिद सलाम माजिद सलाम दिल्ली से दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी जी बिल्कुल, बिल्कुल मेरा सवाल यह है कि मैं अभी तनाविर में तरावी पढ़ रहा हूँ तो ये है कि वितर की नमाज में आठ रिकात के बाद वितर अगर आखिरी हिस्से में पढ़ना है जैसे बहुत सारे आलिम करके चले जाते हैं ट्रिक्लीट होने के बाद तो ऐसा करना सही है आखिरी हिस्से में पढ़ना है है अफजल ये सही है या नहीं यानी आप वहाँ तराबी पढ़ाते हैं तो पढ़ के, रहे हैं अभी अच्छा पढ़ रहे हैं वहाँ तो यानी कि कुछ लोग जो है तराबी के बाद वित्र नहीं पढ़ते हैं वो घर चले जाते हैं आखिरी पहर पढ़ने के लिए जी जी बिल्कुल ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल सुन लिया गया देखिए देखिये इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे जी शेख अल्मद वसलात वसलम अला रसूल्ला इस पर इस मसले पर कई दफ़ा हमारी बात हो चुकी है कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो इमाम के साथ जो है क़्यामैन करेगा यहाँ तक इमाम जो है वो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले तो कुतब लियामिल तो उसके लिए जो है क़्यामल लैन का स्वाब मिलेगा तो और ये दूसरी बात हमारा दूसरा नुकता जिस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सलील वसलम से ग्यारह रकाज ज़्यादा तरावी सबित नहीं है चाहे आप उसे तरावी कहें चाहे क्यामलैन कहें या तहजुद कहें जो भी नमाज़ का आप नाम लें वो जो नमाज़ है उसमें आप अल्लाह के रसूल सल्ला वल्म से ग्यारह रकात से ज़्यादा साबित नहीं है तो अगर कोई इमाम जो है आठ रकात तरावी पढ़ाता है उसके बाद तीन रकात वितर पढ़ाता है तो हमें यही करना चाहिए कि इमाम के साथ मुकम्मल नमाज़ पढ़नी चाहिए और उसके बाद जो है क्योंकि हम जो है जमात के जो उसकी फजीलत से भी महरूम ना हो और जो ख़ास इस हदीस में जो फजीलत बयान की गई है क़्याम लैल की कि इंसान उसके बाद जाके भी जैसा कि किलमा करम ने वजाहत की है कि इंसान उसके बाद जाकर सो भी जाए तो भी उसको क्याम लैल का सवाब मिलता है पूरी रात नमाज़ पढ़ने का उसे स्वाब मिलता है तो इन सही तरीक़ा यही है कि इमाम के साथ वित्र पढ़ा जाए उसके बाद अगर कोई आदमी कोई इबादत करना चाहे तो जिक्र असकार है क़ुर करीम की तिलावत है ये तमाम चीज़ें कर सकता है जी अल्लाह जी 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 खैर बहुत बहुत शुक्रिया जी, अगला सवाल अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वरह जी आ, मैं मैं सवाल कर रहा था जी बिल्कुल क्या नाम है भाई आपका जी मेरा नाम सज्जाद अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सज्जाद भाई अलीगढ़ से जी 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 बिल्कुल सज्जा भाई कैसे आप से हैं आप खरीद ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ लिया तीन लोग मतलब से पढ़ा रहे से, से? यानी आप अलीगढ़ में जहाँ तराबी की नमाज पढ़ते हैं वहाँ मस्जिद में तीन तराबी पढ़ा रहे हैं जी 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 कभी कोई खड़ा हो जाता है कभी कोई खड़ा हो जाता है कुछ और

कि इनके यहाँ जहाँ तराबी पढ़ते हैं तीन उफाज तराबी पढ़ाते हैं तो क्या ऐसा मुमकिन है कि तीन लोग पढ़ा सकते हैं देखिए इसके जवाज में तो मुझे कोई हर हरज नहीं दिखता नहीं। कि ये चीज जायज़ है दो एक आदमी भी पढ़ाए तो भी दुरुस्त है दो पढ़ाए क्योंकि वो नमाज ख़त्म हो जा रही है यानी दो रकत के बाद सलाम फेरते रहे ऐसा नहीं है कि एक ही नमाज में दो लोग हैं तो चूंकि वो एक इबादत का एक हिस्सा खत्म हो चुका है तो अब दूसरा आदमी आके उसको इमामत कर सकता है तो एक तरह में अगर दो लोग हैं तीन लोग हैं पढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं शरीयत ने पाबंदी किया है कि एक इमाम ही सारी नमाज़ पढ़ाएगा सारी नमाज़ें सारी रकतें एक ही इमाम पढ़ाएगा इमाम बदला नहीं जा सकता है दो रकत के बाद तीन चार रकत के बाद तो ऐसी कोई पाबंदी शरीयत में नहीं है हमें पढ़ना है ग्यारह रकत पढ़ना है ऐसे पढ़ना है वो सब लेकिन अगर कहीं पर कोई इमाम फिक्स भी है तो उस इमाम की हाँ ये ये बात है ये ये अहम बात आपने कही कि अगर एक इमाम मुतय्यन है उसके लिए तो उसकी इजाज़त के बगैर किसी को नहीं बढ़ाना चाहिए ये ये बात आपकी सही है नहीं तो आमतौर पर जहाँ तीन हाँ लोग होते हैं वो इमाम की इजाज़त होती है लेकिन अगर इमाम हाँ। रजामंदी के हाँ। साथ तीन लोग होते हैं असल इमाम है उसकी रजामंदी होनी चाहिए कि अगर तो दूसरा कोई यार बारी बारी पढ़ाते हैं इस मसले में जो है ना उस हदीस से भी दलील ली जा सकती है जिसमें कि अल्लाह के अबू बकर रवी अल्लाह तुम नमाज़ पढ़ा रहे थे अल्लाह के गायब थे तो अबूबकर रबी अल्लाह ने पीछे हटने का इरादा किया तो अल्लाह रोका जी तो जी जी। मतलब उसमें उस भी उस, फर्ज नमाज थी और एक ही नमाज उसमें भी इशारा मिलता है और खास मुझे इस वक्त याद नहीं कि कहीं ऐसा पढ़ाया भी गया हो तो ये कि एक ही नमाज में थोड़ा सा इशारा मिलता है की वो नहीं पे एक उजर था दो इमाम ने एक नमाज पढ़ाई थी जब थोड़ी सी है तो ये ये तो नमाज इमाम ये उनको मतलब कहा गया है की आपको इमामत करनी है तरावी और अगर आपको और अगर आपको कोई तकलीफ इसमें है मतलब कोई परेशानी है तो ये इंतजामिया से बात करना चाहिए की वो कितने अम्मा को तरावी पढ़ाने के लिए रखे हाँ, अगर किसी को परेशानी मुख्तदीन चाहता हूँ कहना चाहता, मतलब चाहता हूँ कि ये मसला ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मुख्तदी परेशान हो और उसकी वजह से इंतजामिया और मुख्त हजरात में कोई बात हो या इमा जो नमाज पढ़ाते हैं उनके दरमियान और मुख्तिक के दरमियान मुख्तिय जो हैं उनके दरमियान कोई बात हुई इसको मतलब बिला वजह झगड़े की या परेशानी की वजह नहीं बनना चाहिए ये बात से, पहले से तय हो जाए तकलीफ क्यों हो रही है हाँ, हाँ ये बात ने, सवाल ने, ने, करना ने, ने, भाई का सवाल ये है कि भाई इमाम एक होना चाहिए ये तीन तीन, तीन लोग क्यों पढ़ा रहे हैं तो क्या मसला आपको है आपको पढ़ने में क्या हरज है उसमें तो वही मेरा कहना है कि वो तीनों को इमाम बनाया गया है तराबी की नमाज के लिए वो तीनों को तय किया गया है कि वो तीनों मिल पढ़ाएंगे दो ये पढ़ाएंगे दो ये पढ़ाएंगे दो ये पढ़ाएंगे तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई हरज नहीं है जी जी भाई उम्मीद की आपको जवाब मिल गया होगा आपके सामने कोई कोईकाल हो कोई बात हाँ हो। या कुछ और इसमें आप पूछना चाहते हो आपको चाहते लगता तो? है कि ठीक नहीं है आपको क्यों हाँ, नहीं पसंद आ रहा हेलो जी शायद नेटवर्क इशू है हेलो जी अगला सवाल नाजरीन महफिल रमजान का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह पूरा रमज़ान आपके लिए रहेगा जो भी सवालत हैं इंशाल्लाह आप डायरेक्ट कर सकते हैं जी बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि जी हुबली से दिल्ली से अच्छा हुबली से हेलो अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मैं हुगली से बात कर रहा हूँ हुगली करना देव शहर से बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल हुगली से बात कर रहे हैं आपका नाम जान सकते हैं हाँ एक मिनट अब्बास से बात करो अच्छा अब्बास हेलो देखिए हाँ हुगली से बात कर रहे हैं जी बिल्कुल देखिए माफी चाहते हैं आपके साथ टीवी की भी आवाज आ रही है तो आप टीवी की आवाज को म्यूट कर दें देखिए क्या उसका

फितिया क्या दें या कितना दें तो देखिए इससे पहले वजाहत हो चुकी है दोबारा मैं दोहरा देता हूँ कि अगर बीमारी दो तरह की होती है क्योंकि मैं आपका केस नहीं जानता कि आप किस तरह के बीमार हैं बीमारी दो तरह की होती है एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें आइंदा जो है सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप आराम से एक बीमारी ये होती है कि जिसमें आइंदा शिफा याबी की यानी अच्छा होने की उम्मीद होती है कि आदमी अच्छा हो जाएगा तो ऐसी सूरत में आदमी इंतज़ार करे और उसकी कदा करे जब अच्छा हो जाए तो जितने रोज़े छूटे हैं उतने रोज़ों की कदा करें लेकिन आदमी अगर बीमार ऐसा है जिसमें बाद में शिफा याबी की यानी अच्छा होने की उम्मीद नहीं है या बहुत बूढ़ा हो गया है और बुढ़ापे की वजह से कमज़ोरी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता तो ऐसे शख्स को जो है अपने हर रोज़े के बदले में एक गरीब आदमी को खाना खिलाना होगा एक रोज़े के बदले में एक टाइम का खाना जिसमें जो भी आप दाल चावल गोश्त सब्ज़ी जो भी आप बना कर एक मस्किन को खाना खिलाएँ चाहें तो आप जो है एक साथ भी पूरा खाना बनाकर तीस लोगों को बुलाकर आप खिला सकते हैं जी जी बिल्कुल दुरशीद चाचा उम्मीद की आपको जवाब मिल गया होगा हेलो जी एक सवाल कोई बहन यहाँ कह रही हैं शहनवाज़ अफरोज़ हमारे भाई हैं उनका सवाल है वो सवाल ये कह रहे हैं कि सुन्नत वल जमात के अलावा दूसरी जगह नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं कर पढ़ सकते हैं क्योंकि वो मुकम्मल रुकन वगैरह का ख्याल नहीं रखते हैं तो भाई का सवाल है देखिए कोई ऐसा रुकन छोड़ दे रहे हैं जिससे नमाज बातिल हो जा रही है जो बहुत ज़रूरी है अब तो उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए तादिल अरकान अल्लाह के नबी वसल्ल में जो नसीह सलाद वाले जो हदीस है जिसमें बड़ी तफसली हदीस है सब कुछ तफसी में नहीं जाऊँगा लेकिन उसमें गिनाया है कि ये होना चाहिए नमाज़ में ज़रूरी है तो अगर उसमें कोई खलल पैदा होता है वो सही ढंग से नहीं अदा करता है इमाम तो उसके पीछे नमान नहीं पढ़ना चाहिए जी, जी और अगर वो सारी चीज़ें यानी जो नमाज के लिए ज़रूरी हैं नमाज़ की सेहत के लिए जो जो अरकान ज़रूरी हैं उसको अगर वो इमाम अदा करता है तो उसके पीछे नमान पढ़ सकते हैं यानी अगर, अगर अपनी अगर। इन शॉर्ट ये कि अगर इमाम की अपनी नमाज़ सही हो रही है तो उसके पीछे भी नमाज़ सही हो जाएगी उसकी अपनी नमाज नहीं सही हो रही तो उसके पीछे वालों की भी नमाज़ सही नहीं होगी जी शेर ठीक है चलिए अरकान जो है अरकान जैसे शेख ने कहा कि अरकान की अदायगी हो उसमें एक चीज़ है अतदाल ये जो है आदमी एक रुकन दूसरा दूसरे रुकन से वाजे हो सही ऐसा ना हो जैसे बाज लोग करते हैं बाज़ दफ़ा बाज मस्जिदों में फटाफट कि जैसे रुकू से यूँ अभी पूरे खड़े भी नहीं होते जबकि अतदाल ये जो है वो वो ज़रूरी है तो वो खड़े भी नहीं होते और फट से जो है वो सजदे में चले जाते हैं तो अगर कहीं इस तरह इतना जल्दी होता हो तो ऐसी जगह नमाज ना पड़ी जाए ऐसे तरावी में कुछ लोग करते हैं बहुत ही स्पीड में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए नहीं अगर अरकान का ख्याल हो लेकिन कहीं कुछ सुन्नतें छूट रही हों तो क्या ऐसे इमाम की बस ये है कि अगर उसकी इमाम की अपनी नमाज़ हम ये कह सकें कि सही हो रही है ऐसी चीज़ छोड़ रहा है जिससे उसकी अपनी नमाज़ सही हो रही है तो उसके पीछे नमाज हो सकती है लेकिन ऐसी चीज़ छोड़ रहा है या तदिल अरकान में खल गड़बड़ी है कि उसकी अपनी नमाज नहीं सही हो रही तो उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए जी बिल्कुल जजाक लाला खर जी अगला सवाल असलकुम हेलो जी से एक खास सवाल और है जी आ गया कोई लाइन पे जी हां अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व जी और सर खैरियत जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम हाशिम जमाल में बनारस से बात कर रहे हैं हाशिम जमाल बनारस से जी सर जी बिल्कुल हाशिम भाई कैसे हैं आप माशाल्लाह हमारे यहां भी हाशिम भाई जी मैं शेखा साहब की हर वीडियो सुनता हूँ माशा है नहीं बिल्कुल आपका जवाब वही शेख जी, देंगे जी जी और अगर लिखा तो तो मेरा सवाल वीडियो में सुना था कि मतलब विदायती के पीछे नमाज हो सकती है और जलालुद्दीन का उन्होंने कहा कि पीछे नमाज नहीं हो रही है और उस मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ सकते वीडियो देखी थी तो आज शेख मौजूद है और बरह रास्त आपकी गुफ्तु हो रही है आपकी आवाज़ को वो सुन रहे हैं और बर रास्त इनशाला आपको जवाब देंगे और जवाब से अगर मुतमिन ना हो कोई और मामला हो तो इनशाला आप सवाल कर सकते हैं उसी में देखिये भाई साहब का जो सवाल है बिदती के बिदती इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खलत मलत कर दी जाती है ना तो इसलिए बात समझ में नहीं आती देखिए एक मसला है बिदती शख्स को इमाम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए तो इस पर पूरी दुनिया का इतफाक़ होगा कि उसको इमाम नहीं बनाना चाहिए इसमें कोई इख्त ही नहीं करेगा नहीं। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई शख्स बिदती के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहता है तो ये भी कोई नहीं कहेगा कि नहीं उसके पीछे नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है नहीं पढ़ना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी उसकी अपनी चॉइस है तो देखिए जो दलाइल हमको मिलते हैं ना जब दलाइल पढ़ेंगे तो ये दो चीज़ें हमको मिलेंगी एक तो बिदती के इमाम नहीं बनाना चाहिए दूसरा बिदती के पीछे अगर कोई नमाज बहुत सारे अइमा के बारे में मिलता है कोई बिदती के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे निकल जाते थे लेकिन एक तीसरा मसला है कि बिदती की नमाज होती है कि नहीं होती है ये तीनों अलग अलग मसले हैं एक बिदती शख्स को एक, बनाना। हाँ एक मसला है बिदती शख्स को इमाम बनाना दूसरा मसला है कि बिदती शख्स के पीछे अगर कोई नमाज नहीं पढ़ना चाहता है तो उसका मसला और तीसरा तीसरी चीज़ है कि बिदती शख्स की नमाज होती है कि नहीं होती उसके पीछे नमाज होती है कि नहीं होती तो ये तीन चीज़ें तो देखिए ऐसी बहुत सारी आप किताबें पढ़ेंगे जिसमें लिखा कि फ़ला इमाम फला के पीछे नमाज नहीं पढ़ते फला इमाम कहते थे मैं उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा लेकिन ऐसी चीज़ कि उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं है हराम है नमाज बातिल हो जाएगी तो इस बात की कोई दलील मुझे कुरान और हदीस में नहीं मिली कि जिसमें यह कहा गया हो कि भाई बिदती की पीछे नमाज होगी ही नहीं समझ रहे तो इन तीनों मसलों को अलग अलग उसमें देखेंगे तो बात समझ में आएगी और ये बात कि किसी मस्जिद में कोई बिदत हो रही है तो उसमें नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो इसके ताल्लुक से भी कोई सरी हिवायत मेरी नज़र में नहीं है कि अगर बिदत हो रही है तो उसमें नमाज ही नहीं पढ़ना उस मस्जिद में

कि बिदती शख्स को इमाम बनाना चाहिए सब ये कह रहे हैं कि बेदती आदमी को इमाम नहीं बनाना चाहिए इससे हमें इतफाक़ है कि बेदती शख्स को इमाम नहीं बनाना चाहिए इससे हमें इतफाक़ है और ये कि बेदती शख्स के पीछे कोई नमाज़ नहीं पढ़ना चाहता है किसी और मस्जिद में पढ़ रहा है तो इस पर भी हमको कोई इख्तलाफ़ नहीं है लेकिन अगर कोई ये कहता है कि बिदती शख्स के पीछे किसी ने नमाज़ पढ़ लिया तो उसकी नमाज बातिल है यह कि बदती शख्स को अगर कहीं जब जबरन नमाज़ इमाम बना दिया गया किसी मस्जिद में इमाम बन गया अब वहाँ कोई पहुँच गया तो इमाम को हटा तो नहीं सकता तो अब उसके पीछे नमाज़ अगर वो पढ़ेगा उसकी नमाज़ होगी कि नहीं होगी तो यहाँ पर हम कहते हैं उसकी नमाज़ हो जाएगी अगर उस पर उसकी तकफीर नहीं की गई है वो काफिर नहीं है मुसलमान है उसकी अपनी नमाज़ हो जा रही है उसकी अपनी नमाज अगर हो जा रही है तो पीछे की नमाज़ भी हो जाएगी सब अगर आप ये कहते हैं कि मुख्तिय की नमाज़ नहीं होगी बिदती की पीछे तो आप ये कहिए कि बिदती की अपनी भी नमाज़ नहीं होगी यानी जो बिदती है उसकी खुद की नमाज़ नहीं होगी अगर ये कोई फतवा देने की मतलब जरूरत करता, करता है कि जो भी बिदत में गिरफ्तार हो तो उसकी नमाज ही नहीं होगी अगर ये कोई साबित कर दे कि बिदती शख्स की नमाज ही नहीं होगी तब यह कह सकते हैं कि उसकी उसके पीछे नमाज नहीं होगी वरना यह जब्ता है कि जिसकी अपनी नमाज होगी ना उसकी पीछे वाले की भी नमाज होगी तो अगर आप ये बात मान रहे हैं आप ऐसे लोगों से सवाल करें कि अगर आप ये बात मानते हैं कि कोई बिदाइत में मुबतला है उसकी अपनी नमाज हो जाएगी ऐसे कैसे अगर ये आपकी इनकी नहीं इनकी होगी नहीं नहीं हो ये कैसे हो सकता है हाँ, तो तीन अलग अलग बातें है ना इनको अलग अलग रख के समझेंगे तो इनशाला बात वाजे होगी बाकी और तफसील तो नहीं कर सकते तफसील करना है तो आप कीजिए कीजिए नंबर बात जी हाशिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जी जदाकुल्ला खैर जी अगला सवाल जी शेख एक ख़ास सवाल है कि कोई खातून रोज़े से हैं अब शाम में यानी इफ्तारी में पाँच मिनट बाकी है अब उनको माहवारी शुरू हो गई तो ऐसी सूरत में वो क्या करेंगे वाज है कि जब इफ्तार से पहले उनको माहवारी आ गई तो उनका जो है वो है कि वो नापाक हो गई तो अब रोज़ा तो उनका गया है ना मतबी की रोज़ा टूट गया उनका और उसके बदले में वो कदा करेंगे नहीं आमजौर बच्चों की पूरा दिन उन्होंने रोजे से रखा गुजारा पाँच मिनट बाकी है तो ये फीलिंग आती है कि चलो पाँच मिनट और बाकी है हम इसको पूरा ही कर लेते हैं नहीं देखिए वो का का कौल है कि इमसाक एक रोज़ा अलग है इमसाक मतलब इमसाक अलग है बाज़लमा ने यह कहा है कि जो है अगर उसका रोज़ा टूटे ठीक है इमसाक कर ले वो हाँ लेकिन असल क्या है कि वो रोज़ा टूट गया है और उनको कदा करनी पड़ेगी अब जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ता है चार रकात उसने चार तीन रकात पढ़ ली चौथी भी उसने पढ़ ली लेकिन जो है अभी सलाम फेरने से पहले जो है वो उसका वजूद टूट गया तो अब क्या बोलेगा कि मैं नहीं ठीक है मैं पूरा कर लेता हूँ नमाज़ को नहीं कहेगा ना उसका वज़ू टूट गया चाहे आखिर में टूटा तो ख़त्म नमाज़ उसकी पूरी जो है ख़त्म हो गई तो उसने जो भी ठीक है रोज़ा रखा वो अल्लाह से इनशाला कुछ ना कुछ सवाब देगा वो हम नहीं जानते लेकिन ये कि बहरहाल उसकी वजह से जब महामारी आ गई तो उसकी वजह से वाज है कि वो नापाक हो गई हैं अब उन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है और टूट गया उनको उस दिन की क़ज़ा करनी पड़ेगी जी जी खैर जी नाजरिन महफिल रमज़ान का ये प्रोग्राम इनशाला इसी तरह पूरे रमज़ान चलता रहेगा ग्यारह से बारह बजे आपके जो भी आते हैं इन आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मुकम्मल रहनमाई की आपकी कोशिश की जाएगी और आप से ख़ास गुजारिश ये है कि अगर हमारे इस प्रोग्राम को तो यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और ख़ास तौर से ख़ुत से गुजारिश है माओं और बहनों से गुजारिश है कि वो चैट पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं वहाँ से उनको कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी जी बिल्कुल ये प्रोग्राम आप सबका अपना प्रोग्राम है ये हमारे इस्तीफ़ादे के लिए है सीखने सिखाने के लिए है इनशाला पूरे रमज़ान इसी तरह हमारा ये मुबारक सिलसिला चलता रहेगा और आप इन इसी तरह इस्तीफा करते रहेंगे जी बिल्कुल आइए एक ख़ास सवाल लेते हैं शेख एक ख़ास सवाल ये है कि अगर हमने किसी को पैसा दिया है अच्छा खासा पैसा अब सामने वाला डूब गया मिलने की कोई उम्मीद नहीं या दूसरे अल्फाज में वो कल्लाश हो गया है तो क्या अब मेरी जो जकवात बनती है तो क्या वो काट कर हम ये सोचें कि मतलब उससे मैं पैसा तो दे नहीं पाएगा तो चलो यही जक़त उसी को दे देते हैं चूँकि वो जकवात का मुस्तक हो गया है जक़़त भी ले लें और आम सदक़े की बात यानी जक़ात नहीं भी बन रही है वो पैसा डूब रहा है तो मैं ये सोचूँ ये नीयत कि चलो ये समझ लीजिए उसका सदका हो गया मैंने उसको सदके मैं तौर पे दे दिया यानी ये कि मान लीजिए मैंने आपसे दस हज़ार रुपया लिया जी जी कर्ज़ लिया या मान लीजिए एक लाख रुपया मैंने आपसे कर्ज़ लिया कर्ज लेने के बाद मेरा ये पैसा डूब गया अब मेरे पास जीरो है कुछ भी नहीं है क्योंकि तो आपके पास घाटे में, फायदे में चले। ये बहुत आम सी चीज पहले सवाल वाजे हो जाए कि हमने आपसे पैसा लिया मान लोजिए एक लाख रुपया लिया एक लाख रुपया लेने के बाद हम डूब गए पैसा डूब गया कुछ नहीं हमारे पास अब आप अलहमदिल्ला आपकी दो तीन लाख रुपया जक़ात निकलती है तो अब आपने ये किया कि मुझसे ये कहा कि भाई आप तो मेरा पैसा नहीं दे पा रहे आप हो, हो आप मस्किन हो गए फ़कीर हो गए अब ऐसा करते हैं कि एक लाख रुपया मेरी जो ज़क़ात है उसमें मैं आपका काट लेता हूँ ज़ाहिर है कि मैं तो मजबूर हूँ मैं तो कहूँगा अच्छी बात है मैं तो खुश हो जाऊँगा लेकिन इसका जवाब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कर सकते उसकी बहुत सारी वजूहत हैं एक ये है कि अगर फ़कीर और मस्किन को आप ज़कूत देते हैं तो उसको मालिक बनाना बहुत ज़रूरी है आपने उस पैसे को मुझे मालिक बनाया ही नहीं इसलिए उसकी ज़क़त नहीं होगी आप नफली ऐसे ही तान देना चाहें तो अलग बात है लेकिन जो फ़र्ज़ जक़ात है जो पैसे में ढाई फ़ीसद वाली ज़क़त है उसमें आपको मुझे ही मालिक बनाना पड़ेगा आप मुझे देंगे फिर ये मेरा फैसला होगा कि मैं ये पैसा आपको अदा करता हूँ या कहीं और अदा करता हूँ यह पहली बात है दूसरी बात यह भी गौर करें कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं आपका एक लाख रुपया लिया था हो सकता है उससे दो साल पहले मैं इनका एक लाख रुपया लिया था तो अगर ये पैसा मेरा है ज़कवात मेरा हक़ है अगर मुझे मिल गया तो हो सकता है कि आपसे पहले मैं इनका अदा करूँ आपका क्यों अदा करूँ और ज़रूरी हो और ज़रूरी हो इसके अलावा एक तीसरी बात देखिए कि हो सकता है मैं इनका भी नहीं बाकी हूँ सिर्फ आपका बाकी हूँ लेकिन इसके साथ साथ मैं किसी रूम में रह रहा हूँ उसका किराया बाकी है नहीं दे पा रहा हूँ या अपने बच्चों की फ़ीस मेरी बाकी है वहाँ भी पता या मैं बीमार हूँ उसका इलाज कराना वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो और भी बहुत सारी ज़रूरियात हो सकती है इसलिए ज़क़त अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो उसको उस मुझे मुकम्मल इख्तियार देना होगा वरना यह माना ही नहीं जाएगा कि आपने मुझे ज़क़त दिया फ़कीर मस्किन को ज़क़ात देने का मतलब है कि उसे पैसा मिल गया और उस पैसे को अपनी जहाँ वो उसकी जो तरजीह है जहाँ वो ख़र्च करना चाहता है ख़र्च करने की उसको आज़ादी मिल जाए तब ये कह सकते हैं कि हमने किसी फ़कीर मस्किन को दिया वरना अगर पैसा निकालने के बाद उसको ख़ुद सर्फ कर लिया तसरूफ़ कर लिया तो ये माना ही नहीं जाएगा कि आपने उसको दिया बस एक मिसाल से बात ख़त्म करता हूँ मिसाल के तौर पर देखिए मैं आपके यहाँ काम करता हूँ आपके यहाँ मेरी तनख्वाह बनती है मान लीजिए दस हज़ार रुपया महीना मैं काम करता हूँ अब जैसे मेरी तनख्वाह देने का मौका आए आप वनख्वाह ना दें मुझे तनख्वाह का कुछ चीज़ खामान सामान खरीद लें ये कर दें वो कर दें अपनी मर्ज़ी से तो ये मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा सही। कि आप उसको काट लें आप मुझे पैसा दें मैं फैसला करूंगा देखिए आज कोई भी आदमी मैं आपके यहाँ कोई काम करने वाला हो तो चिड़ लड़ पड़ेगा आपसे आज कितने लोग अच्छे राशन खरीद के दे देते दे थे दे फकीर को लेकिन अगर वो फकीर कहीं जॉब कर रहा हो और वो उस पैसे का राशन खरीद के दे वो लड़ जाएगा उससे वो उससे लड़ जाएगा कि मैंने तेरे यहाँ नौकरी किया है मजदूरी किया है तो मेरी मजदूरी दे राशन खरीद के क्यों दे रहा लड़ जाएगा उसको लेकिन जक़ात में बेचारे फ़कीर और मुस्किन को इतना मजबूर कर देते हैं अपनी मर्जी से खरीद के दे देते हैं जकत जक़त तो उनका हक है ठीक है वो अपने हिसाब से खर्चा लेकिन आम जो सदक़े की जो बात है ताउन की भी बात है इसमें कैसा है कि ये माल इनका रहा ही नहीं इन्होंने उनको दिया था वो डूब गया तो अभी ये उसके मालिक हैं ही नहीं तो ये मतलब सदके की नीयत कैसे कर सकते हैं ये तो मजबूरी है ना मतलब वो उनके पास है वो डूब गया वो ख़त्म हो गया उसमें से एक आखिरी नुकता जो है वो ये भी है जो वाजह है बहुत नुकता लेकिन ये भी एक नुकता है कि अब मेरा मैंने किसी को कर्ज़ दिया एक लाख दिया वो डूब गया उनके पास अब उनके पास तो कुछ भी नहीं है अब अगर मैं उस जकूआत में उसको जो कहते हैं मिन करना है यानी उसी में से मैं मतलब उसको मैं जकवात मान के रख लेता हूँ तो गोया कि मैंने अपने आप को जक़ात दी मतलब अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया हाँ बहुत अहम है हाँ क्योंकि मैंने अपने आप को फ़ायदा पहुँचा जैसे उसकी मिसाल जैसल कर और चीज़ों में देते हैं जैसे एक आदमी पर बीवी का नफका है जो जहाँ मना करते हैं कि जिन लोगों को आप जक़ात नहीं दे सकते अब बीवी का नफका मेरे ऊपर फ़र्ज़ है अब मैं जकवात बीवी को दूँ तो नहीं अदा होगी क्योंकि गोया कि मैंने अगर नफके के बदले में जक़त दी है तो मैंने अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया जो नफ़ा मुझे देना था नफका देकर मैंने जक़ात दी है तो मैं अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ तो जकवात से खुद वो इस्तेफा कर रहा है वो जो खाली वो एक तरह से हीला है वो कह रहा है कि मैं

अच्छा माशाल्लाह जी सिस्टर क्या सवाल है आपका ये पूछना था फितरे के गेहूं देना है या पैसे देना है ओके यानी फितरे में गेहूं देना है या पैसे देना है हेलो जी जी, जी सिस्टर हाँ जी जी देखिए पूछना था कि फितरे के गेहूं देना है या तो पैसे देना है जी बिल्कुल आपका सवाल सुन लिया गया है, जी बिल्कुल मशाइख मौजूद है देखते क्या रहनुमाई करते हैं जी शेख जी अलहमद ला वात वसलम अला रसूल्ला देखिए सदक़र या ज़क़ात फ़र में असल तो यही है कि जो चीज़ उस उस मुल्क का कूत हो यानी जो खाने की चीज़ हो जो चीज़ें खाई जाती हैं जैसे गेहूँ है खजूर है या जैसे अब मनसूस तो चार चीज़ें हैं कि जैसे खजूर है और इसी तरह जो है शहर जौ है इसी तरह अक़त है पनीर है तो ये चीज़ें अगर हैं आपके पास जैसे खजूर जैसे इससे पहले बात हो चुकी खजूर हमारे यहाँ बहुत आम इस वक्त तो बेहतर यही है कि जो जनसूस चीज़ें पहले उसमें से निकाली जाए ज़क़त जैसे खजूर में से ज़क़त निकाली जा सकती है हम खजूर दे सकते हैं तो खजूर दें हम या पनीर दे सकते हैं या जौ दे सकते हैं या गेहूँ है गेहूँ दे सकते हैं तो उसमें से ज़क़त निकाली जाए अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है और कोई और चीज़ किसी जगह ज़्यादा खाई जाती है अनाज वग़ैरह में से कोई भी चीज़ तो उसमें से ज़क़त निकाली जाए ये बात है अब जहाँ तक मसला कीमत दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती तो मेरी राय ये भी और बहुत साराए क्राम की राय ये है कि जवाज़ है कि अगर कोई आदमी कीमत देना चाहे तो जवाज़ है लेकिन अफज़ल यही है कि जो अनाज दे खाते हैं या जो अनाज हमारे यहाँ है या जो चीज़ें मनसूस हैं पहले उसमें से या जो अनाज हमारे यहाँ खाते हैं उसमें से दिया जा सकता है लेकिन कीमत भी दी जा सकती है अगर मजबूरी हो या कोई सामने वाले को उसमें फ़ायदा ज़्यादा दिखे या मुंतकिल करना हो कि पैसा कहीं जैसे तो बज़ दफ़ा ये होता है कि हम देना चाहें इजाज़त है कि हम जो है कहीं और अपने गांव देना चाहते हैं तो अब यहाँ बम्बई से या कहीं से किसी जगह से अनाज को मुंतिल करना मुश्किल की बात है ये तो उसके जगह पैसा जो है मुंतकिल किया जाए वहाँ जो है अनाज ख़रीद के दे दिया जाए या कहीं लगता है कि जो है पैसा ही ज़्यादा बेहतर देना तो दिया जाए और ये मैं समझता हूँ कि ज़माने से हमारे शहर मुंबई में ये चीज़ राइज थी कि जो है आपको जवाब मिल गया होगा जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कोई और सवाल कर रखती हैं। जी अगला सवाल असला जी हेलो जी बिल्कुल आपका नाम जी सैदरान बोल रहा हूँ जी गुजरात सैयद गुफराम गुफरान भाई गुजरात से जी मेरा सा एक सवाल है जकात को ले सर हाँ। जकत में जैसे कि सोने की जकात की जो अपने लोग हदीस बयान करते हैं सोलह तो वो हदीस हदीज़ जयफे अगर असली मकदार क्या है अच्छा अच्छा जईफ है आप पूछ रहे हैं जी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग दलील कह रहे हैं हदीस जईफ है और अगर असलीदार है तो मकदार क्या है जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए मशाइख मौजूद है देखिए क्या रहन करते हैं जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु शेर अल्हद देखिए पहली बात तो यह है फ़ुरान भाई की आ, मेरे के हद तक जो है हदीस ज़यीफ़ नहीं है क्राम ने जो है तहसीन या तहसी, तहसी इस तरह की हदीसों की की है जिसमें जो है आ, सोने के निसाब का तस्करा है एक बात तो ये दूसरी बात है कि अगर मैं किसी हदीश, इन हदीसों को ज़ीफ़ मान भी लूँ भी मेरे जहन में तमाम हदीसें नहीं हैं लेकिन अगर मैं इन तमाम हदीसों को मान भी लूँ ज़यीफ तो इस पर उम्मत का इजमा है मतलब किसी का अखिलाफ़ नहीं है कि सोने का निसाब ये किसी आलिम का अखिलाफ़ नहीं कि सोने का निसाब ये है चांदी का निसाब ये तो इस पर उम्मत का इजमा है कि सोने का निसाब ये और इजमा जो है वो कतई है कतई होता है और जो उसकी दलालत कतई होती है सारी जमातों के यहाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ नहीं नहीं पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि हदीसें बजाते ख़ुद जो है वो कम से कम हसन दर्जे किए मेरे मालूम के हद तक अभी मेरे जहन में तमाम हदीसें नहीं हैं लेकिन हदीसें तहसीन की गई उसकी तो पहली बात तो ये कि हदीसें काबिल एहत हैं दूसरी बात है कि अगर हम फर्ज़ भी कर लें कि हदीस काबिल एहत नहीं है इस मसले में तो इस बार उम्मत का इजमा है कि सोने का निसाबी है चांदी का निबा ही है अब एक ही बात तीसरा तीसरा नुकता इसमें यह आता है कि वजन कितना है उसमें कि लोगों का अखिलाफ जो है बाज दफ़ा कि कोई आदमी ये कहता है कि साढ़े सात तोला और मैं ये कह रहा हूँ जैसा कि अपने रसिमर ने और देकर ने लिखा है कि वो सा पचासी ग्राम यानी आज के हिसाब से वो साढ़े आठ तोला हो जाता है तो अगर ऐसा कोई इखिला जहन में है तो अख्लाफ वज़न की वजह से है क्योंकि मैंने जो मतलब देखा है कि आप उसको देख सकते हैं ख़ुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं इस मसले पर कि पुराने ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में और आसपास के ज़माने में जो है वो एक तोला तकरीबन जो है ग्यारह ग्यारह पॉइंट सिक्सटी सिक्स ग्राम का हुआ करता था उस हिसाब से जो है अगर आप हिसाब लगाएंगे तो पचासी ग्राम का तकरीबन साढ़े सात तोला बनेगा वो हिसाब अलग था अब आज का जो हमारा तोला है वो दस ग्राम का है इसलिए दस ग्राम को जब तोला मानेंगे तो पचासी ग्राम का हम ये कहते हैं कि वो साढ़े आठ तोला हुआ वरना मक़दार वही है मक़दार में फ़र्क नहीं है सही सही जी जी बिल्कुल जी मेरे ख्याल से बात वाजे है जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए एक आखिरी सवाल लेते हैं हमारी एक बहन सवाल कर रही हैं कि उनकी वालदा जो है वो बीमार चल रही फातिमा सिस्टर हैं कि मेरी अम्मी को शुगर है जिसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाती हैं तो वो क्या करेंगी वक्त भी कोई रास्ता नहीं है रोजा रखने का बाद में भी कजा नहीं कर सकती कर दिया है तो हर रोजे के बदले में शुगर किस लेवल का है डॉक्टर किया जाए अगर डॉक्टर कहते हैं की भाई ये शुगर ऐसा है की ये इनकी जो है मतलब है कि इनको बीमार कर देगा मज़ीद इनके जो है ऑर्गन्स जो हैं उनके आज़ाउज़ पर जैसे किडनी या किसी भी चीज़ पर जो है असर करेगा अगर वो रोज़ा रखती हैं बीमारी को बढ़ाएगा ऐसी कोई चीज़ है और ये मशवरा देते हैं डॉक्टर्स तमाम कई लोगों से कंसल्ट किया जाए कि तमाम डॉक्टर ये कहते हैं जो भी है कि इनको नुकसानदेह है उनके लिए रोज़ा रखना तो बिलाशुबा रोज़ा ना रखें बल्कि उसके बदले में फ़दियात दें जी जजाक लाख जी नाजरीन आज के इस प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है हम आपसे रुखसत होते हैं लेकिन रुखसत होने से पहले एक ख़ास अपील आप सब के सामने रखना है जैसा कि आप सब जानते हैं कि आई प्लस टी वी एक तरह से ये दीनी चैनल है और इस्लामिक प्रोग्राम्स यहाँ से, से नशर किए जाते हैं लोगों की खिदत की जाती है रहनुमाई की जाती है ये चैनल डोनेशन बेस पे चल रहा है आप सब से गुजारिश है कि रमज़ान के इस बहार आफरी मौके से आप इस चैनल को भी याद रखें अपने जक़ात सदक़ात और अतियात से इसका मुकम्मल ख्याल रखें और भरपूर तान की कोशिश करें आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इनशाला कल फिर मिलेंगे ग्यारह से बारह इसी वक्त इनशाला आपके जो भी सवालात होंगे इन कल भी हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी आप सभी का बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया असलमकूम वरहुल्लि वबरकू ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें